सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको पोको X3 के बारे में बताने वाला हूँ, पोको X3 का फुल रिव्यू करके। तो मैं इस फ़ोन को 5-6 दिन पहले परचेज़ किया था और इस फ़ोन को 5-6 दिन परचेज़ करने के बाद पहले आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ अच्छी तरह से इस फ़ोन के बारे में जानने के बाद। तो इस फ़ोन में मैं आपको बता दूँ कि इस फ़ोन में आपको 6 GB और 128 GB का मेमोरी मिलता है और यहाँ पे 732 GB मतलब स्नैपड्रैगन है, बहुत ही फास्ट चलता है और 6000 mAh का इसका बैटरी है और 64 MP का जो इसका कैमरा है और सेल्फी जो कैमरा है वो 20 है। तो इस फ़ोन का मैं फुल रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ अच्छा है और क्या क्या फीचर जो है अच्छा नहीं है। तो चलिए इसको बताते हैं, पहले इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डब्बा मिलेगा, उसके बाद इस डब्बे में आपको मैं देखता हूँ, इस डब्बों में देखिए आपको ये जो मिल जाता है सिम ट्रे जो होता है निकालने वाला, वो निकालने वाला ये मिल जाता है। इसको मैं यहाँ पर साइड में रखता हूँ। उसके बाद ये रहा यहाँ पे केस कवर, जो बैक कवर आता है फ़ोन का, वो ये भी है पर उतना खासियत नहीं है, इसको साइड में रखता हूँ। और यहाँ पे रहा इसका ये जो है फ़ोन का जो कागज़ रहता है ये सब रहा, इसको भी साइड में रख देते हैं। उसका ये रहा फ़ोन, इस फ़ोन को यहाँ बाहर निकालते हैं। फ़ोन बाहर निकालने पर देखिए आपका फ़ोन जो है कुछ इस तरह का ये फ़ोन का लुक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कैमरा है 5x4 कैमरा है और एक जो है यहाँ पे LCD जो लाइट है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे मिल जाता है आपको डबल स्पीकर मिल जाता है, देखिए यहाँ पे एक स्पीकर यहाँ पे है और एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल स्पीकर है, जब इसमें आप गाना बजाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट आवाज़ देता है। लेकिन थोड़ा इसका जो बैक जो कवर है ये वाला है ये यहाँ पे फाइबर का है, जिस वजह से इसमें थोड़ा झनझनाहट, अगर कोई भी गाना बजाएंगे थोड़ा झनझनाहट ज़्यादा करके आता है। तो चलिए इस फ़ोन को बोट करते हैं और देखते हैं। इस फ़ोन को हम साइड में इधर में रख देते हैं, बोट हो रहा है तब तक, और भी चीज़ इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका रहा केबल, टाइप सी केबल है ये वाला, ये भी बढ़िया है केबल। और यहाँ पे आपको ये रहा चार्जर, बहुत ही फास्ट चार्जिंग है, इससे चार्जिंग बहुत फास्ट होता है। आपको 1 घंटा 40 मिनट में आपका फ़ोन जो है फुल चार्जिंग हो जाता है, मैं इसको ट्राई करके देखा हूँ, 1 घंटा 40 मिनट में पूरा फुल चार्जिंग इसका हो जाता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद मैं इस फ़ोन को फिर यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको बोट करके रख दिया। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आप साइड में जो है इसका फिंगरप्रिंट मिलता है, देखिए फिंगरप्रिंट कुछ इस तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे टच करेंगे, बहुत ही फास्ट भी फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्ट है और इसमें फेस लॉक भी मिलता है आपको, और फेस लॉक में एक फीचर ज़्यादा मिलता है, जो कि आप अगर दो आदमी होकर के रखना चाहते हैं इस फ़ोन को तो दो फेस लॉक, दो आदमी का फेस इसमें सेट कर सकते हैं। दो फेस से आपका इस फ़ोन जो दो फेस अगर सेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, दो फेस से आपका फ़ोन जो है खुलेगा। तो इसका जो है ये रिफ्रेश रेट जो होता है डिस्प्ले का जो है चलाने का बहुत ही फास्ट, एकदम 732 GB स्नैपड्रैगन के वजह से ये फ़ोन जो है बहुत ही फास्टली देखिए यहाँ पे वर्क करता है। देखिए जितना आप इसको स्पीड यहाँ पे चाहते हैं वर्क करना उतना स्पीड ये बहुत ही फास्ट है। और इसमें आपको चलता हूँ सेटिंग में और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन ये वाला में जाते हैं, यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन और यहाँ पे साउंड चेक करके दिखाते हैं आपको, देख पा रहे हैं इसका आवाज़ साउंड। यहाँ पे भी इसका स्पीकर है और यहाँ पे भी स्पीकर, दोनों तरफ से इसका आवाज़ आता है। ये थोड़ा इसके पीछे जो है यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन सा महसूस होता है, आपको गाना अगर सुनते हैं तो इसमें वाइब्रेशन सा थोड़ा महसूस होगा। और यहाँ पे और अच्छी आवाज़ आपको दिख, एक चीज़ और इसमें देखिए ये जो है खास है, इसमें एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्लियर स्पीकर है, इसको जब ऑन करेंगे तो जब भी आपके स्पीकर में
कोई चीज़ अगर गर्दा उर्दा फंस जाता है तो इसको आपको 30 सेकंड तक इसमें देता है। देखिए यहाँ पे 30 सेकंड लिखा हुआ है, 30 सेकंड तक आपका जो फ़ोन है इस तरह वाइब्रेशन आवाज़ करेगा, तो जो स्पीकर में जो गर्दा उर्दा अगर आता है वो बाहर ऑटोमेटिक से इसमें निकल जाता है। तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। और एक ये भी है वन हैंड मोड जो है, ये वाला जब इसको इनेबल कर देंगे तो ये तो आपको शायद पता होगा, तो यहाँ पे इसको छोटा करके चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ इस तरह आप इस फ़ोन को हैंडल कर सकते हैं। पूरा इतना ही डिस्प्ले में चलेगा। अगर चाहते हैं इसको इस साइड करना तो फिर यहाँ से पकड़ के इसको इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर आ गया, आप इधर भी चला सकते हैं। इसका जो है लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं इसका। देखिए ऊपर में यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कितना इंच इसका रखना चाहते हैं, 4.5 या 4.0 या 3.5, तो इसको जितना रखना चाहते हैं उतना रखना रख सकते हैं। तो इसको हम ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑल जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ आपको ऑटोमेटिक कैटेगरी बाई कैटेगरी आपका जो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन जो है उसको छाँट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी वाला में जितना मेरा फोटोग्राफी का जो है फोटो ये सब लाइटरूम पिक्सआर्ट होता है, यहाँ पे फोटोग्राफी वाले में टूल्स में चला गया। इस तरह सब कुछ का यहाँ पे टूल्स बन चुका है, शॉपिंग लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे थे। इस तरह आपको इसमें जितना भी ऐप होगा तो उसका कैटेगरी ऑटोमेटिक से यहाँ पे बन जाता है। तो अब हम इसके कैमरा का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैमरा में आ चुके हैं। कैमरा में आने के बाद देखिए कैमरा की भी क्वालिटी बहुत अच्छा क्वालिटी है, मैंने कुछ फ़ोटो ले रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा जो है कुछ फ़ोटो जो है जूम करने के बाद ये कुछ ज़्यादा फटता नहीं है, मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस वजह से इसमें कुछ आपको कुछ फटा फटा दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे कैमरा सैंपल भी है ये हुआ, देखिए यह गेंट्री किरेन का है। बहुत सारे यहाँ पे कैमरा लिया हुआ है, कैमरा का काफ़ी क्वालिटी अच्छा है। आप नाइट मोड में भी बहुत अच्छा क्वालिटी खींच सकते हैं, इसमें नाइट मोड का भी ऑप्शन दिखा देते हैं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलेंगे यहाँ वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अपना वाटर मार्क भी दे सकते हैं, फुल स्क्रीन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे सेकंड भी अपना लगा सकते हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक आप जितना लगा सकते हैं उतना। और यहाँ पे आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन रहता है वो में उसमें आपको मिलता है, लेकिन हम इसको कुछ सेटिंग कर दी है जिस वजह से मेरा जो है नीचे से यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट मोड का ऑप्शन जो है, यहाँ से आप नाइट मोड का सेल्फी खींचेंगे बहुत अच्छा सेल्फी आता है। और यहाँ पे 64 MP का आपका जो कैमरा से सेल्फी जो खिंचाएगा वो 64 MP वाला, तो यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके आप खींच सकते हैं। शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ब्लॉग का ऑप्शन इसमें बहुत ही खास बहुत अच्छा है, इसमें ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा ये फ़ोन है। और यहाँ पर स्लो मोशन, टाइमलेस और डुअल वीडियो, यहाँ पर डुअल वीडियो वाला ऑप्शन कर देंगे तो आपका जो आगे वाला पीछे वाला कैमरा जो है दोनों एक बार चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जो है मेरा आगे वाला कैमरा ऊपर का पंखा का दिख रहा है, और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे नीचे वाला कैमरा यहाँ पे दिख रहा है। देख पा रहे होंगे आप मेरे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ़ोन से इस वाले शूट कर रहा हूँ। इस तरह कर सकते हैं इसको इधर उधर, और भी इसमें नीचे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, इसमें डुअल वीडियो हो गया। और यहाँ पे अपना वाटर मार्क भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी वाटर मार्क लगाना चाहते हैं अपने नाम का तो नाम का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जब फोटो खींचेंगे तो आप उसके नीचे आपका नाम वाला वाटर मार्क आ जाएगा। तो एक और सेटिंग मैं इसको दिखाता हूँ इस फ़ोन का जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर स्पीकर वाले फ़ीचर में, और यहाँ पर आ गए हैं स्पीकर वाले फ़ीचर में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे में आपका यहाँ टूल बॉक्स जो ऑप्शन है ये वाला, तो इसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद उसके आपको क्या करना है, नीचे जो है नीचे जिस एप्लीकेशन पे सेटिंग कर देंगे उस एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फाइनली यहाँ पे यूट्यूब पे भी सेटिंग कर दिया हूँ, यहाँ पे मेरे को यूट्यूब दिख रहा है, व्हाट्सअप जो ज़्यादा यूज करता हूँ वहाँ पर। और चलिए मैं दिखाता हूँ इसका फीचर्स क्या काम करता है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, तो मेरे पास YouTube ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा एक नोटिफिकेशन बार जैसे यहाँ पे साइड में, इसको साइड में जब हम इधर से स्लाइड करेंगे इधर की तरफ तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये जो आ गया। इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसको, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कास्ट भी चला सकते हैं, स्टाइल भी चला सकते हैं, और आपका वीडियो यूट्यूब में प्ले होते रहेगा। और आपका स्क्रीन जो है स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगा तब भी आपका वीडियो जो है प्ले होते रहेगा। जैसे कि मैं कुछ वीडियो यहाँ पर डाउनलोड कर रखा हूँ, मैं उसको चला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये वीडियो प्ले हो गया, मैं यूट्यूब से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ, अभी मेरे पास नेटवर्क नहीं है जिस वजह से मैं ऑनलाइन आपको नहीं दिखा रहा हूँ करके। तो यहाँ पे मैं इसको
आवाज़ भी थोड़ा यहाँ पे दे देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो प्ले हो रहा है। वीडियो ये जो है वीडियो ये प्ले हो रहा है। अब यहाँ से इसको साइड से यहाँ से खींच लेते हैं। खींच लेने के बाद यहाँ पे है वो ऑप्शन, इधर आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो प्ले स्क्रीन, यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन साउंड भी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करने के बाद मेरा जो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन मांग रहा है, तो इसको जब ओपन करें ओके करेंगे फर्स्ट बार आपको ओके करना। अब मेरा जो है वीडियो यहाँ पे साउंड जो है प्ले हो रहा है, साउंड जो है मेरा अभी प्ले हो रहा है और मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया। चलिए इसको अभी देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे खोलते हैं इसको फिंगर से, तो देखिए मेरा जो है वीडियो ये प्ले हो रहा था और स्क्रीन बंद हो गया था। इस तरह भी इसका इसमें ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें प्ले कर सकते हैं उस तरह। और भी इसमें नीचे है, आप इसमें वीडियो देखते वक्त आप इसमें कोई भी गाना सुन सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे फेसबुक खुल चुका है, मैं इसको फेसबुक को भी यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। और इसका चाहूँ तो इसको नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ से कोने से पकड़ के आपको इधर खींचेंगे छोटा हो जाएगा, और इसको जब हमको हटाना है साफ यहाँ से साइड कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पकड़ के और इधर से यहाँ से खींच करके उधर करेंगे ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी, तो इस फ़ोन में बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर है। मैं इस फ़ोन को 5-6 दिन यूज किया हूँ, और इस फ़ोन को परचेज किया हूँ 15,999 रुपये जो इस फ़ोन का प्राइस है। तो आप भी प्राय इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, चलता है, और इसका कैमरा वैमरा सब कुछ बढ़िया है इतना प्राइस में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।